नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। मथुरा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होगा बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा स्थानीय होटल में विद्युत अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में श्रीकांत शर्मा ने जहां विभिन्न प्रकार की विद्युत समस्याओं के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, वहीं उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियों द्वारा किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा गलत बिल बनाने पर कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु आदि उपस्थित रहे। मथुरा से कैमरामैन सुनील भारद्वाज के साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादून की रिपोर्ट। आज जो बैठक हुई है समीक्षा बैठक, इसमें माननीय ऊर्जा मंत्री ने जी ने एक संवाद से समाधान विषय पर बात की और बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि सरकार आने वाली गर्मियों में उपभोक्ताओं को क्वालिटी की बिजली मिले, क्योंकि सरकार के पास बिजली पर्याप्त है। इंफ्रा हमारा मजबूत हो, ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग हो जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को गर्मी में कोई कठिनाई ना हो। दूसरा, जो गलत बिल निर्गत करने वाली एजेंसियां हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से FIR हो और कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो। सही बिल, समय पर बिल उपभोक्ता को मिले, ये सभी हमारे अधिकारी